राजस्थान में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है श्याम प्रेमियों के लिए, खाटू श्याम जी। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस इज आर एंकर डॉट कॉम यूट्यूब चैनल ब्लॉगर में देखे। एंड फिलहाल भाई साहब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। एंड ये जो ब्लॉग होने वाला है, ये बेसिकली होने वाला है एक ट्रैवल ब्लॉग, बेसिकली आप रोड ट्रिप कह सकते हो, जो कि होने वाली है कानपुर से लेकर खाटू श्याम जी तक। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भाई साहब कभी कभार क्या होता है कि जब बुलावा आता है ना, मतलब कि आप प्लान करते हो ठीक है, तब आप नहीं जा पाते हो ठीक है, पर जब वहाँ से बुलावा आता है तो क्या होता है कि कुछ भी आपको करना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप ही होता है और आप वहाँ पे चले जाते हो। तो यही कहानी हुई बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल एकदम मेरे साथ। तो हुआ यूँ कि आज से कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब कि प्लान कर रहा था कि हाँ भाई, जब अपनी बाइक वगैरह आ जाएगी ठीक है, देन उसके बाद अपन लोग एक रोड ट्रिप करेंगे बेसिकली खाटू श्याम जी तक की ठीक है। बट वो कहते हैं ना कि भगवान का बुलावा आया ठीक है, और हम लोग पहले ही निकल पड़े। इनफैक्ट मेरे को 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि यहाँ खाटू श्याम जी तक जाना है। मेरे को लगा कि शायद मतलब ऐसा भाई मजाक वजाक चलना होगा ठीक है, मतलब जाना होगा बस ठीक है। तो लेकिन बिल्कुल ही एकदम कंफर्म हो गया कि हाँ 2 दिन बाद निकलना ही निकलना है। और बस फिर क्या था, हम लोगों ने अपना बैग पैक किया ठीक है, डिग्गी के अंदर सामान रखा और निकल गए हम लोग रोड ट्रिप के लिए। कहानी वैसे शुरू होती है करीब सुबह 4 बजे ठीक है। तो 4 बजे अपन लोग आराम से यहाँ से कानपुर से निकल जाते हैं, और हम लोगों को जो पहला स्टॉप होता है वो होता है जाके इटावा के बाद, या फिर आप यूँ समझ लो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पे जो इटावा वाला कट है ठीक है, उसी के उससे पहले ही करीब 1 किलोमीटर हम लोगों ने पहले अपना एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया। तो चाय ब्रेक जो था ना, वो बेसिकली हम लोग अपना घर से भाई चाय अपना लेके ही गए थे ठीक है, क्योंकि बेसिकली फैमिली रोड ट्रिप थी ठीक है। आप दोस्तों के साथ होते हो तो आप क्या कहते हो कि हाँ भाई बाहर ही सब कुछ करना है अपने को ठीक है, बट फैमिली के साथ होता ना तो थोड़ा सा इन्जॉय ज़्यादा होता है और चीज़ें काफ़ी सारी वेल ऑर्गेनाइज वगैरह होती। तो अपना बढ़िया उस उन्होंने एक छोटा सा बढ़िया चाय ब्रेक लिया, वहाँ पर कुछ बढ़िया सी फ़ोटोज़ क्लिक करी, और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम लोगों ने सीधे पकड़ लिया आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे।
फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस होते हुए हम लोग पहुँचते हैं आगरा सिटी। आगरा सिटी में मेट्रो को देखते हैं, मतलब मेट्रो जो वहाँ पे बन रही है, ठीक है, वो सब देखते हैं। और वहाँ से फिर हम लोग निकल जाते हैं सीधे आगे फतेहपुर सीकरी के लिए। सोच रहा हूँ कि हम लोग तो यहाँ पे वीडियो देखने आए थे कानपुर टू खाटू श्याम जी की, या अचानक से फतेहपुर सीकरी में कहाँ घुस गया लड़का। तो देखिए जी, कहानी कैसी हुई थी कि बेसिकली प्लान तो था कि सबसे पहले वहाँ पे जाना है खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी से लौटते टाइम जो है बेसिकली हम लोग कवर करेंगे जयपुर, जयपुर के बाद फिर हम लोग बालाजी, और बालाजी के बाद फिर जो भी रास्ते में पड़ेगा वो अपन लोग कवर करेंगे, ठीक है। बल्कि मेरे हिसाब से फतेहपुर सीकरी का तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि हाँ भाई यहाँ पे जाने वाले भी हैं। बट वो कहते हैं ना कि लाइफ जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स जो होती ना वो भरी हुई होती, तो वही हमारे साथ भी हुआ। तो अपना रास्ते सबसे पहले फतेहपुर सीकरी पड़ गया, तो अचानक से प्लान गया कि भाई फतेहपुर सीकरी घूमते हैं, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी अपनी गाड़ी सबसे पहले एंटर हुई, पर आप परेशान ना हो, आपको हम सबसे पहले खाटू श्याम जी पहुँचाएंगे और फतेहपुर सीकरी जो है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी घूमने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलते सीधे खाटू श्याम जी की तरफ।
श्याम जी तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में पड़ते हैं मेहंदीपुर, बालाजी का एक कट पड़ता है मतलब कि भरतपुर में, ठीक है। तो वहाँ से आप बालाजी भी घूम सकते हो। और भाई अगले दिन जो था ना वो था ट्यूसडे, ठीक है। एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, शायद महावीर जयंती थी उस दिन, ठीक है। तो भाई क्या सॉलिड भीड़ हो रही थी, मतलब धीरे धीरे वहाँ पे ऐसे कार जा ही रही थी, काफ़ी अच्छा खासा माहौल बना हुआ था, ठीक है। और हम लोगों की जो कार में एक्चुअली गाना चला था ना, वो उस जगह के हिसाब से बिल्कुल एकदम मैच कर रहा था। वो वाला गाना चल रहा था हम लोगों की कार में, श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, भाई एकदम बिल्कुल माहौल बन गया था, सच्ची बता रहा हूँ। वो जो रील है ना वो आप लोगों को ऐसे इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगी, तो इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा स्क्रीन पर, फॉलो कर लेना भाई, बहुत ही तगड़ी थी। और बाकी मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा मतलब देख के, ठीक है। देन उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस अब रास्ता इन्जॉय करो आप। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले, देखिए जी ऐसा ना कि खाटू श्याम जाने के लिए जो ना वो बेसिकली दो रास्ते पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि जब कानपुर से जाओगे तब का मैं बता रहा हूँ, बाकी तो ऐसे हज़ारों रास्ते पड़े हुए, हज़ारों जगह से आप आ सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, बाकी ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, मतलब बहुत सारे रास्ते। बट जो कानपुर से अगर आप जा रहे हो रोड ट्रिप, ठीक है, तो बेसिकली दो रास्ते पड़ते हैं। एक होता है जो कि आपको जयपुर सिटी के अंदर से होके लेके जाता है टनल से क्रॉस कराते हुए, ठीक है, कुछ 6-7 मिनट की लंबी टनल होती है, तो वहाँ से आप क्रॉस करते हुए जाते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप जयपुर सिटी आता है, जयपुर सिटी से होते हुए फिर आप जाते हो, ठीक है, आगे खाटू श्याम जी के लिए। बट हम लोगों ने जो था ना सीधे गूगल मैप पर डाला करते, तो गूगल मैप ने क्या किया बेसिकली कि जयपुर के आउटर से पूरा का पूरा रिंग बना के उसने हम लोगों को क्रॉस कराया। एंड भाई साहब वो जो रास्ता था ना भाई, क्या ही सुंदर रास्ता, मतलब लिटरली जितने भी लोग थे ना कार के अंदर, मतलब मैं भैया और मौसी और मम्मी वगैरह वाला सब लोग, जो जितने भी लोग गए थे, ठीक है, सब ने लिटरली भाई इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया वो रास्ता, ठीक है। मतलब कि इतने ऊंचे ऊंचे एक तो पहाड़, और पहाड़ पे वो जो छोटे छोटे मंदिर जो बेसिकली राजस्थान में देखो राजा महाराजा जानते हैं कि हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो हम सब के बेसिकली कुल देवी देवता जो होते हैं ना वो होते हैं पहाड़ पे, ठीक है। तो वो सारे काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर हम लोगों ने देखे, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे नज़ारे हम लोगों ने कवर किए, मतलब लिटरली भाई सॉलिड रास्ता। आप एक बार भाई वो रास्ता देखो, ठीक है, आप खुद ही लोग कहोगे कि हाँ भाई मज़ा आ गया, कुछ भी कहो, ठीक है। तो अभी बढ़िया से एक मस्त म्यूजिक इफेक्ट डालते हैं और आप वो रास्ता एंजॉय करो। हाँ तो फिर बाकी सब तो बढ़िया थी कहानी, ठीक है। बट भाई असली मज़ा जो शुरू होता है ना वो शुरू होता है रिंगस पहुंचकर, ठीक है। रिंगस पहुंचने के बाद फिर वहाँ से जो कार्स और बाइक या फिर जो भी
मतलब जाते हैं ना DCM वगैरह जो कुछ भी वाहन जाता है, ठीक है, वो हर एक वाहन बेसिकली लिटरली मतलब कि कहीं ना कहीं वो कह रहा होता है कि हाँ भाई हम भी खाटू श्याम जी ही जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या वाइब होती है, अलग ही एकदम भाई मज़ा आ जाता है, ठीक है। मतलब कि आपको मालूम है कि अब इस रास्ते पे सिर्फ सिर्फ जितने भी जा रहे हैं वो सिर्फ सिर्फ बाबा श्याम के प्रेमी जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर उसके बाद रिंगस से बेसिकली निशान उठता है, ठीक है। तो निशान जो है ना वो करीब करीब कुछ 15-20 किलोमीटर के आसपास का पैदल रास्ता है वो कवर किया जाता है। और निशान में बेसिकली होता क्या है कि एक झंडा टाइप का होता है और उसमें कुछ ऊपर पोटली ऐसी बंधी होती है। उस पोटली के अंदर क्या है क्या नहीं ये मेरे को अभी नहीं पता है, ठीक है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर दूंगा जो कुछ भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली लोग जाते हैं और बढ़िया उससे साउंड वगैरह बज के जाता है, ठीक है। और बेसिकली एक तो हम लोगों ने देखा था कि भाई वो खाटू श्याम जी की मतलब कि पूरी पूरी जो कह सकते हैं ना उनको सजा के लेके जा रहा था, ठीक है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल था, बिल्कुल एकदम साउंड वाउंड बज रहा था, हर एक चीज़ बिल्कुल एकदम फुल्ली भाई और बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक वाइब जो थी ना वो थी बिल्कुल एकदम। आप देखो एक बार मज़ा आ जाएगा। हाँ तो फिर जनता लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक कि भाई जो व्लॉग है ना वो पसंद आया होगा। और अगर भाई पसंद आया हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड सारे के सारे एकदम मस्त हैं। और ये सीरीज जैसे खत्म होगी ना फिर इसके बाद आप लोगों को उदयपुर के ब्लॉग देखने को मिलने वाले। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर मारना देना, ठीक है। नीचे वो बना होगा रेड कलर का बटन बना होगा उसको क्लिक करो, उसको ग्रे करो और फिर इसका एक घंटी वाला आइकन आएगा उसको दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहुँचते हैं भाई बढ़िया मस्त एकदम खाटू श्याम जी, ठीक है। और वहाँ पे बढ़िया से उसके बाद अपना रूम लेते हैं। और रूम जो है वो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कानपुर वालों के लिए, ठीक है। वहाँ पे एक आश्रम टाइप का है, ठीक है, कानपुर वालों के लिए ही है बेसिकली। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी जो दी जाती है ना वो वहाँ पे बेसिकली कानपुर वालों को ही सबसे पहले दी जाती है। UP 78 अपना जो फेमस है भाई कानपुर, ठीक है, उसको बढ़िया मस्त प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप बढ़िया मस्त रुक सकते हो। और रूम की जो प्राइस रेंज थी जिस सीजन में हम लोग गए यानी कि ये मार्च वाले मंथ में, ठीक है, सॉरी मार्च में कह रहा हूँ अप्रैल वाले मंथ में, ठीक है, तो वो जो थी ना प्राइसेस वो कुछ जैसे थी 400, 600 और 800, ठीक है। तो ये प्राइस रेंज जो थी रूम की बेसिकली उन्होंने बताई थी हम लोगों को, ठीक है। तो बढ़िया मस्त वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया, स्टे करने का स्टे भी किया बेसिकली वहाँ पर थोड़ी देर आप रुके फिर उसके बाद अपन लोग निकल गए मंदिर, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये बेसिकली फर्स्ट व्लॉग जो ना वो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ कानपुर टू खाटू श्याम जी तक की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। अगर भाई पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को सब्सक्राइब जरूर मार देना, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करो भाई लोग व्हाट्सएप वगैरह पर जहाँ पर भी या फिर उन लोगों के साथ जिनके साथ आप खाटू श्याम जाने का सोच रहे हो या फिर जो कुछ भी भाई रास्ते बिल्कुल भी लिटरली। और अगर भाई सच्ची बता रहा हूँ अगर ब्लॉग मतलब पसंद आ रहा हो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अपन लोग
करीब 750 के पास हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो, 1000 बार करना अपन लोगों, ठीक है जी। और बाकी फिर मिलते हैं अभी एक नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होगा फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी के बाद होगा एपिसोड खाटू श्याम जी का, खाटू श्याम जी के बाद होगा जयपुर का, और जयपुर के बाद होगा हम लोगों का रिटर्न का सफ़र, और रिटर्न में पढ़ते हैं भाई बालाजी। और बालाजी में जो भीड़ थी ना, वो आप लोगों को लिटरली देखना बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अभी ये वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। सो आई होप सो, थैंक्स फॉर, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को भी कर लेना ऑन। और बाकी हाँ, जय हिंद एंड जय बाबा शाह, जय बाय बाय।